गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। तो जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी जीके की, तो वही कंटिन्यू रखते हुए हम आगे चलते हैं। आज के हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ़ दी फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस आल्सो नाउन एज मिनी कश्मीर, ठीक है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस भी है, ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या है हमारा इसमें, सही आंसर क्या है, दैट इज़ भदरवा इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ द नेम पत्नी टॉप इज़ अ डिस्टॉर्टेशन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ पतन द तालाब रेफर्स टू एज, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से होता है, पत्नी टॉप इज़ द डिस्टॉर्टेशन ऑफ द, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, पतन द तालाब, ठीक है। तो रेफर किसको किया है, ये क्या है, ये एक पॉन्ड्स ऑफ द प्रिंसेस है, पॉन्ड्स ऑफ फ्रेश वाटर है, पॉन्ड्स ऑफ माउंटेन है, या पॉन्ड ऑफ फ्लावर्स है। सो पॉन्ड क्या होता है, तालाब, ठीक है। तो सही आंसर क्या है हमारा इसमें, सही आंसर है पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस इज नाउन एज सिटी ऑफ लामाज, ठीक है। अब इनमें से कौन सी ऐसी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं और जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सिटी ऑफ लामाज। तो सही आंसर क्या है इसका, ए पार्ट इज ले, ठीक है। ले के नाम से भी जाना जाता है किसको, सिटी ऑफ लामाज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट ऑफ द हाई अल्टीट्यूड्स लेक इन द ट्रांस हिमालयन बायोजोग्राफिक रीजन एंटायरली विद इन इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन सी लेक है जो लार्जेस्ट लेक है और हाई अल्टीट्यूड लेक भी है, किसमें, ट्रांस हिमालयन बायोजोग्राफिकल रीजन में, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ पे है, कौन सी लेक है, सही आंसर क्या है हमारा, दैट इज़ ए पार्ट, ठीक है, टसो मरोरी लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर्ट लोकेटेड ऑन अ हिल इन द विकिनिटी ऑफ रजौरी टाउन, ठीक है। ये फोर्ट कहाँ पे है, कौन से हिल पे है, कंस्ट्रक्टेड बाय, जिसका कंस्ट्रक्टर लगा था मुगल एम्पीरियर जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। तो वो कौन सा फोर्ट है जो रजौरी टाउन में आता है, तो सही आंसर कौन सा है हमारा, डी पार्ट इज दांधीधारा फोर्ट है। ये कहां पे है, इन्होंने पहले भी बताया ये क्वेश्चन, रजौरी में है, ठीक है, रजौरी टाउन में आता है, और कंस्ट्रक्टेड किसने करवाया था, ये मुगल एम्पीरियर जहांगीर ने, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से ही बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी मोनेस्ट्रीज आर वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट अमंग देम, ठीक है। इसमें से कौन सी बहुत ही बड़ी मोनेस्ट्रीज है, ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा, हैमिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following place is also known as meadow of flowers? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी place है, जगह है, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, meadow of flower, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी जगह है, वो है D is गुलमार्ग, ठीक है, कौन सी है, गुलमार्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, Which of the following treaties prohibits reservoir storage of water one major river of Jammu and Kashmir, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी treaties है, ठीक है, जो क्या है, एक storage करती है किसको, water को, और वो कौन सी river है जम्मू कश्मीर की, कौन सी treaty में आती है, वो आती है B part is Indus Water Treaty, कौन सी treaty है, Indus Water Treaty। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाता है कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर की क्या है, फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ यूटी, ठीक है, विल बी इंस्टॉल्ड होगी बाय द जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, दैट इज़ बी पार्ट, यानी कि रियासी में क्या है, फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट होगा, यूटी इंस्टॉल्ड करेंगे, ठीक है, किसके द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर, कौन से डिपार्टमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following was the first hydroelectric plant in the east while state of जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सी फर्स्ट यानी कि फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, ठीक है, जो कहाँ पे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्लांट बताना है हमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, ए पार्ट इज़ मोहरा, क्या है, एक फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इस्टीमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो कितना इस्टीमेट है इसका हाइड्रो पावर पोटेंशियल का, सो सही आंसर इज कितना है, 20,000, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इलेक्टेड द मोस्ट रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स लैंड टू तिलार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री की है ये इंडिया की, ठीक है, यानी कि एक इतिहास है, ठीक है। तो ये किसने इलेक्ट किया था मोस्ट रेवोल्यूशनरी, किस पे, लैंड रिफॉर्म्स यानी कि लैंड टू तिलार, तो किसने किया था ये किया था हमारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर, सबको पता है ये क्वेश्चन का आंसर, साथ साथ में आप मेरे आंसर लगाते जाइए, ठीक है। तो किसको कहते हैं राइस बॉल ऑफ कश्मीर, इनमें से किसको कहा जाता है, गंदरबाल को, कुलगाम को, बांडीपुरा को या शोपियान को, तो किसको कहा जाता है, कुलगाम को, ये क्या कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ कश्मीर, किस नाम से जाना जाता है इसको, राइस बाउल ऑफ कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड द आनंद ऑफ कश्मीर या दूधा कुल ऑफ कश्मीर, ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको किस नाम से, मतलब क्या कहा जाता है, आनंद ऑफ कश्मीर एंड या दूधा कुल ऑफ कश्मीर, ठीक है, तो कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट है, वो है पुलवामा, ठीक है। नेक्स्ट इज परमंडल मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ, ठीक है, जो परमंडल मेला है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से ओकेशन पे सेलिब्रेट किया जाता है, महाशिवरात्रि पे, बैसाखी पे, लोहड़ी पे या ईद उल जुहा में, तो कब किया जाता है, ये किया जाता है महाशिवरात्रि, तो तब क्या किया जाता है, परमंडल में मेला एक सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जीडी मेला एंड एनुअल फेयर हेल्ड इन जम्मू ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर सिंबलाइज, ठीक है, तो जो जीडी मेला है, ठीक है, वो एनुअल में जो ये हेल्ड किया जाता है कहाँ पे, जम्मू में, ड्यूरिंग कब, अक्टूबर और नवंबर में, तो उसका सिंबलाइज क्या है, कोरेज, ऑनेस्टी या कंपेशन या ऑल ऑफ दी अबव, तो सही आंसर क्या है, डी इज ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट इज Which of the following festival is celebrated as start of new year of the Vikrami Samvat? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा festival है जो celebrate करते हैं start of new year, जब new year start होता है, ठीक है, यानी कि विक्रमी संवत, ठीक है, तो क्या आता है, दुर्गा अष्टमी, रामनवमी, बैसाखी या नवरोज, तो क्या आता है, सही आंसर है हमारे पास बैसाखी, जब एक न्यू ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कब, तब क्या होता है, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम क्या है, बैसाखी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क्स द कुलमिनेशन ऑफ द कोल्ड सीजन, कोल्ड सीजन में कौन सा फेस्टिवल मार्क आता है, यानी कि कौन सा फेस्टिवल आता है वो भी कोल्ड सीजन में, सो राइट आंसर इज क्या आता है, लोहड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ रामसर साइट दैट इज वेट लैंड मैनेजमेंट साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो रामसर साइट का आता है, दैट इज़ वेट लैंड मैनेजमेंट साइट्स भी आती है इन यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा, सही आंसर क्या है, सही आंसर है हमारा डी पार्ट, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो सो मोरीरी इन लद्दाख भी आता है, होकसर, ठीक है, होकरसर इन कश्मीर भी आता है, सुरुईसर मानसर इन जम्मू भी आता है वेटलैंड मैनेजमेंट साइट्स में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की। नेक्स्ट इज लॉल लिरिक इज द टिपिकल
वर्स फॉर्म दैट वॉज पॉपुलाइज बाय, ठीक है, तो ये किसके द्वारा पॉपुलाइज किया जाता है, लॉ लिरिक इज द टिपिकल वर्स है, ठीक है, तो किसके द्वारा, सही आंसर है हमारा हब्बा खातून इज बी पार्ट राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम, हु बिल्ट अमीरा काडल एंड शेरगारी फोर्ट ऑन द रिवर झेलम इन श्रीनगर, ठीक है, तो ये किसने बनवाया था ये वाला, ये रिवर कौन सा, अमीरा कदल एंड शेरगारी, ठीक है, फोर्ट ऑन द रिवर के साइड में है ये, ठीक है, रिवर के ऊपर है, झेलम इन श्रीनगर में, ठीक है, तो किसने बनवाया था ये, सही आंसर इज आमिर खान जवान शेर ने, ठीक है. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है, तो ऑप्शन इज हैमिस डेचिगाम किश्तवाड़ या सलीम माली, ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा, ए पार्ट इज हैमिस नेशनल पार्क इन इन लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट पार्क है. नेक्स्ट इज डेचिगाम नेशनल पार्क इज द मोस्ट फेमस फॉर, ठीक है, काफ़ी बार पेपर में आ चुके हैं कि डेचिगाम जो नेशनल पार्क है ये किस चीज़ के लिए मोस्ट फेमस है, सो सही आंसर क्या है हमारा, हैंगुल, ठीक है. नेक्स्ट इज द फैब्रिक ऑफ द पश्मीना शॉल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो कौन सा फैब्रिक लगता है किसमें, जो हम जो ये कश्मीरी जो हैं पश्मीना शॉल जो बनाते हैं, ठीक है, तो कौन सा ये फैब्रिक यूज़ करते हैं, शीप का, या का, कील गोट का, या कैमल का, तो किसका यूज़ करते हैं, सही आंसर है हमारे पास सी पार्ट यानी कि कैल गोट का, ये क्या करते हैं, एक फैब्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द कारपेट इंडस्ट्री इनटू द वैली, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा रूलर है जिन्होंने जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है किसको, कारपेट इंडस्ट्री को इनटू द वादियाँ, ठीक है, किसके बीच में, वादियों के बीच में एक कारपेट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया है, तो कौन थे वो, कौन से रूलर थे, अकबर, हरि सिंह, जैनुल अबिदीन या प्रताप सिंह, तो वो थे हमारे एक रूलर कौन से थे, वो उसका सही आंसर है जैन उल अबिदीन, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक कारपेट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था किसके बीच, वादियों के बीच. नेक्स्ट इज ह्यून सेंग चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड दी वैली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी, तो कौन सी डायनेस्टी से ये रीजन थे, मतलब बिलोंग करते थे, जो ह्यून त्सेंग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, एक एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये एक क्या थे, क्या थे ये एक फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ये थे जो ह्यून त्सेंग थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, चाइना से ट्रैवल किया था कहाँ से, कश्मीर तक, ठीक है, तो कौन थे ये, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, कौन सी डायनेस्टी से थे, मौर्या, गुप्ताज, कारकोटा या मुगल, सो डायनेस्टी कौन सी थी इनकी, कौन सी डायनेस्टी, कारकोटा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट नाउन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर विच डिस्क्राइब्स ओरिजिन ऑफ द वैली द राइट्स एंड वर्कशिप प्रैक्टिसाइड्स बाय द पीपल ऑफ कश्मीर इज, ठीक है, जो अर्लीस्ट जिनको जाना जाता था टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, ठीक है, तो कौन से ये ओरिजिन ऑफ वैली से थे, राइट्स क्या था और ये किसको पूछते थे, ठीक है, पीपल ऑफ कौन से, कश्मीर के, ठीक है, सो सही आंसर क्या है हमारा, सही आंसर इज नीलम पुराना, ठीक है. नेक्स्ट इज दी राजा तरंगनी बाय कल्हाना, ठीक है, जिन्होंने जो लिखी थी किसने, कल्हाना ने, इज रिटन इन बीच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ की थी उस राज तरंगनी बुक में, तो पर्शियन, संस्कृत, लोकल डायलेक्ट या उर्दू, तो सही क्या है हमारा, राइट आंसर इज बी पार्ट यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर, ठीक है, तो कश्मीर की तरफ से अगर देखा जाए तो फर्स्ट नियोलिथिक साइट्स कौन सी डिस्कवर्ड की थी, इनमें से कौन सी डिस्कवर्ड की थी, वाज दी फर्स्ट, ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, ए पार्ट यानी कि बुर्जा
होम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज द फेमस किंग हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ पेंद्रेथान एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम मॉडर्न श्रीनगर वॉज, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं देखूंगी कि आप मेरे साथ साथ, अगर मैं आपके लिए वीडियोस ला रही हूँ तो आप रेगुलर मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितना प्रिपरेशन आपकी हुई है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको देखूंगी और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई आपके लिए वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप उसे देख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।